हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, राम राम। एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। और गाइस, आज जो मैं रिएक्शन करने वाला हूँ, एक भाई है, उन्होंने इसके लिए कमेंट किया था भी रिसेंटली, आप उनका नाम भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो एक वीडियो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का, उस पर रिएक्शन बनाने के लिए उन्होंने बोला है। और अगर वो नहीं भी बोलते तो भी मैं बनाता, क्योंकि टॉपिक काफी अच्छा है और मतलब एक जो हिस्ट्री से रिलेटेड है उनके बारे में आज इस वीडियो में बात होगी। और अगर आप चाहते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के वीडियोस देखना तो आप चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस पे रिएक्शन दिया है। तो आज इस वीडियो पे रिएक्शन करने वालों, तो गाइज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है अबू उबैदह इब्ने जर्राह करके। तो एक्चुअली मुझे पता है मैं ठीक से नहीं बोल पाया हूँ क्योंकि मैंने अभी तक ये नाम नहीं सुना है, लेकिन वीडियो भी चालू होगी तब शायद मैं ठीक से बोल पाऊँ। आप लोगों को पता ही है, मतलब मुझे ये थोड़े जो उर्दू नेम्स रहते हैं, अरबी नेम रहते हैं, थोड़ा बोलने में मुझे प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है तो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना गाइज। और आज मैं इसी पर ही रिएक्शन करूंगा इस वीडियो पे। आई होप आपको अच्छा लगे वीडियो और मुझे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ जैसे कि पुराने जमाने में चीजें हुई थी, अबू बकर और ये सब, हजरत अली, इनके सब बारे में मैंने बहुत कुछ जाना है इन वीडियोज के माध्यम से। और आज मैं इस पर ही रिएक्शन कर रहा हूँ। आई होप कि मुझे इसमें से समझ आए बहुत कुछ और आपको भी अच्छा लगे। अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करना। आप फर्स्ट टाइम चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी फ्यूचर में मिलती रहे। तो आज का रिएक्शन मैं स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के, लेट्स प्ले गाइस। तो थिंग जंगे जर्मू का मौका जब आया, रोमन एंपायर के खिलाफ फैसला को जंग थी जो, तो ऐन मैदान जंग में हजरत बकर सिद्दीक फौत हो गए। हजरत उमर ने देखी थी पहले, पहला डिसीजन ये किया कि खालिद बिन वलीद को आर्मी चीफ के ओहदे से माजूर। हाय हाय सर, बिल्कुल आप आखिरी ओवर चल रहे हो और आपका जो प्लेयर सेंचुरी पे सेंचुरी मारो, आप उसको कहेंगे इसको वापस आ जाओ, बहुत गंदा हो गया, प्लेयर भेज दे जो क्रीज पे सेट था उसको आप वापस बुला लो। ये वो शख्स कर सकता है जिसका खुदा पे यकीन हो। तो और आपको पता है हजरत उमर के रिश्तेदार थे, करीबी उन्हीं के कबीले से थे हजरत खालिद इब्ने वलीद। हजरत खालिद इब्ने वलीद को पता था कि ये अगर उमर खलीफा बनेगा ना तो फिर मेरा मामला पहले होगा। वही हुआ, अबू उबैदह इब्ने जर्राह को बना के भेज दिया। लोग आके मुबारकबादें पेश कर रहे हैं, फिर हजरत उमर ने आके मस्जिद नबी पे खुतबा दिया। उन्होंने कहा खुदा के लिए मैं तुमसे यही तो चीज खत्म करना चाहता था कि ये फतुहात खालिद की वजह से नहीं हो रही, रब्बे खालिद की वजह से हो रही है। कल को खालिद नहीं रहेगा तो तुम क्या समझोगे कि इस्लाम खत्म हो जाएगा? इस्लाम ने तो आगे चलना है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा मेरी दूसरी हिकमत ये थी कि मुझे पता है कि अब ये रोमन अंपायर मुसलमानों के पास आ जाएगी, बैतुल मकदस भी फतह हो गया फिर बाद में, तो क्या जिसको सबसे ज्यादा रसूल अल्लाह की सोहबत का शर्फ हासिल है, और बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर नबी के साथ एक अमीन होता है, और मेरा अमीन जो है वो अबू उबैदह इब्ने जर्राह है। वो भी इब्ने जर्राह करके, यानी यरमूक में हजरत उमर ने यानी आर्मी चीफ लगाया और फतह हुई। उसके बाद बैतुल मकदस भी फतह हो गया, क्योंकि अबू उबैदह जो है वो शुरू के मुसलमानों में से, मक्की दौर के। अब बाद में लोगों को इस्लाम सिखाना था, नाम है उनका अबू उबैदह, सही है। तो फिर हजरत उमर आपको पता ना दौरे पे भी गए थे बैतुल मकदस की चाबियां लेने के लिए, तो वहां पे कई वाकयात हैं, उनमें से एक जो वाकया अबू उबैदह का जो कि जिक्र हुआ है, तो उसके बाद हजरत उमर अबू उबैदह को कहते हैं मुझे अपने अब आप ऑफिस में ले चलो। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर फतह की हो जिस बंदे ने, आप समझें कि एक बंदे ने अमेरिका फतह किया है, किसी जर्नल ने, वाशिंगटन डीसी में उसका ऑफिस तो होना चाहिए। करेक्ट बात है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को अबू उबैदह जब अपने यानी ऑफिस में लेके गए तो ऑफिस क्या था, उसी किले का एक पुराना सा कमरा जिसके एक कोने के ऊपर मुसल्ला बिछा हुआ है, एक वजू की जगह है लोटा पड़ा हुआ है,
ये कुल कायनात है, उस ऑफिस की जो सबसे बड़ी सुपर पावर को जिस बंदे ने गिराया, अबू बैदा इब्ने जर्रा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फरमाया कि दुनिया ने हर बंदे के ऊपर अपना असर छोड़ा है सिवाय अबू बैदा इब्ने जर्रा के। दुनिया से शिकस्त नहीं दे सकी, दुनिया से मुराद दुनिया की मोहब्बत, हर बंदे ने अपना हिस्सा ले लिया। इसलिए आपको पता है ना कि हजरत उमर अपने दौरे खिलाफत में अबू बैदा इब्ने जर्रा को बार बार खत लिखते रहे कि आप इधर आ जाएं, क्योंकि हजरत उमर चाहते थे कि मैं अपने वालिद को खलीफा नाम दूं, इसलिए कि वो अमीनुल उम्मत है। लेकिन वो फिर हजरत उमर के दौर में ताउन के मर्ज में जो फैली थी शाम में, उसमें वो फिर शहीद हो, वही उनका फिर वो कब्र बन गई। सर मेरा सवाल है कि ताउन का मर्ज आपको पता है कि क्या था? जिस्म पे पूरे फोड़े निकलते थे कैंसर। तो क्या हजरत अबू बैदा ने जरा नाकाम किए दुनिया से? कैसा जी, कोई बंदा मरा था, बड़ा नूरानी चेहरा था, ये था वो था, हर बंदे ने अपने बनाए हुए। एक बंदा फोड़ों की तकलीफ से मरा है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, जो ताउन के मर्ज में मरा वो शहीद है। तो वो मरे तो बिस्तरे मर्ग पे है लेकिन शहीद है। और दूसरी तरफ सारे इतनी जगहों में जख्म लग गए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं भी आज एक बूढ़े ऊंट की तरह बिस्तरे मर्ग पे मर रहा हूं। मैंने सैकड़ों जगहों में अपनी मौत को तलाश किया लेकिन मौत नहीं आई। इसका मतलब है मौत जो है वो इस पर डिपेंडेंट नहीं है कि आप मैदान जंग पे गए हो। उनको मौत मैदान जंग में इसलिए नहीं आनी थी कि वो अल्लाह की तलवार थे, अल्लाह की तलवार तो नहीं टूट सकती थी। तो उनका आज मैं भी बूढ़े ऊंट की तरह बिस्तरे मर्ग पे मर रहा हूं। सिर्फ मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं कि मौत का मैदान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। वैसे तो मुस्लिम शरीफ में हदीस है, जो शख्स शहादत की तमन्ना के साथ अपने बिस्तरे पे भी मरा, अल्लाह ताला उसे शहीद होने का सवाब दे देगा। हमें नीयत करनी चाहिए। ये हजरत खालिद इब्ने वलीद के शेर हैं। गाइज ये वीडियो था, अबू उबैदा इब्ने जर्रा करके नाम था, मुझे ठीक से लेना आया उनका नाम। तो उनके बारे में बताया था उनकी मौत कैसे हुई थी, एक जगह पे बिठा के उनको। तो इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने भी बोला था कि जो बंदा जंग के अंदर उतरता है, जरूरी नहीं कि अगर उसकी मौत हो लड़ते टाइम ही हो तभी उसको शहीद की लिस्ट में काउंट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो बंदा जंग पर जाता है अगर वो नॉर्मली भी मर जाता है तो भी वो शहीद में ही काउंट होगा। बहुत अच्छा वीडियो था, मुझे और एक नया टॉपिक सीखने को मिला। और मैं थैंक यू बोलूंगा भाई का जिन्होंने मुझे वीडियो सजेस्ट किया। और मैं आप लोगों का भी थैंक यू बोलना चाहूंगा गाइस कि आप लोगों का प्यार मुझे जो इतना मिलता है रिएक्शन बाबा चैनल को मिलता है, सच में बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। आप लोगों के द्वारा ही सजेस्ट किए गए वीडियोस पे मैं अक्सर रिएक्शन बनाता हूँ। कुछ वीडियोस मेरी मर्जी के जरूर होते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द वीडियो आप लोगों की मर्जी से ही होते हैं। तो प्लीज आप मुझे और कमेंट करिए कि बताइए कि आपको और किस वीडियो पे रिएक्शन चाहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए रिएक्शन वीडियो बनाऊं। और ऐसे आप लोग अपना प्यार देते रहिए चैनल को गाइज। और उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा, रिएक्शन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना गाइज। और फर्स्ट टाइम आप चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को। तो आज के रिएक्शन में यही एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छी रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज, सी यू गाइज।